चलिए, खान साहब किचन में आपका इस्तकबाल है। आज हम बनाने जा रहे हैं खजूर ब्लाउज। खजूर आते नहीं, मैदे के रवे के खजूर वो बनाने जा रहे हैं हम। ये मैदा, रवा, शक्कर सब मिला लिए। ये कप से, ये मेजरिंग कप है। एक एक कप मैदा, एक कप रवा, एक कप शक्कर, तीनों को ये तीन एक साथ ले लेके ये अपन मिला लिए। ये शक्कर, मैदा और रवा, एक कप मैदा और इलायची, और इसमें असली घी डालना। इसे मिला लिए बाद इसमें आधा चम्मच थोड़ा नमक डालना इसमें। आधा चम्मच सोडा, खाने का सोडा डालना। डाल लिया अपन ये सौंफ। घी डालना, फोर चम्मच घी, असली घी। फोर चम्मच घी डाल दिया अपन। उसके बाद ऑयल डालना, टू चम्मच ऑयल। लेना एक काजू बादाम दरदरा पीस के इसमें मिला लेना अपन सब। और तो पूरा मिक्स करे बाद में से आपको बताएंगे। ये काजू बादाम सब डाल देना। ये पानी दो, क्या बोलते सो, थोड़ा थोड़ा डालना, बहुत हो जाएगा। पानी देख के मिलाना सब। हाथ से अच्छा मिला के बताएंगे। पानी ज्यादा नहीं डालना, घट रहना। ये ज्यादा वो करे तो वो हो जाता है, इसमें शक्कर भी घुल जाती है अपनी। जैसे देखो ऐसा रहना, ये ऐसा बनना, ये देख के मिलाना। अभी अपना आटा ऐसा रहना, देखो अच्छा नरम हो गया। इसको गोल पेड़े अच्छा आधा आधा बड़ा बड़ा लेके गोल बना लेना। गोल बड़ा बड़ा पेड़ा लेके, गोल रोटी के जैसा बेल के, ऐसा गोल बेल लेके, ऐसा गोल बेल लेना। बेल लिए बाद में से छुरी से ऐसा कर लेना, यूं यूं ऐसा करे तो चार कोनी हो जाता है। उसके बाद ये लौजा ऐसा काट लेना। ऐसा काट लेना, ऐसा 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 काट लेना। ऐसा ऐसा लौंगा काट लेना इसको। काट के ऐसे लौदों के शेपा बना लिए होगा। आप चार कोने भी बना सकते हैं, तई बना सकते। अब इसको फ्राई करके बताएंगे। अब ये तलना शुरू करे हो गया। मेरे तेल गरम कर लेके धीमे आंच पे तलना, तो अच्छे वो होते ही ब्राउन होते। तेज आंच पे नहीं तलना इसको, धीमी आंच पे तलना। ऐसे लाल होना। चलिए, हमारे खजूर बनके तैयार है। रवे और मैदे के बादार जैसे खजूर बनके तैयार है। और अपन कौन सा भी घर में शेप दे सकते हैं। लॉस का शेप, चार कोनी, लंबे, सब साइज के बनाई मैं। बहुत मजे के बने, बादार से अच्छे बने। पसंद आए तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक ज़्यादा करिए। अल्लाह हाफिज़।